नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका विषय है व्हाई पीपल डिसलाइक अस। कुछ लोग दोस्तों हमें पसंद क्यों नहीं करते। हमारे साथ ऐसा बहुत बारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे मान लो कि हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर हमारे 10-20 कुछ दोस्त ऐसे बैठे हैं और कोई ऐसा वहाँ पर हमारा मित्र होता है किसी विषय पे, यार वो हम वहाँ पे कोई बात छिड़ गई, कोई टॉपिक छिड़ गया, कोई भी बात छिड़ गई, कोई पॉलिटिक्स को लेकर, कोई न्यूज़ को लेकर। कई बार हम देखते हैं यार किसी व्यक्ति को जो है ना बहुत ज़्यादा जानकारी होती है उस विषय के ऊपर और हमारी उससे विचारधारा मैच नहीं हो पाती और हम उसकी बात को काट देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, तुझे इस बारे में जो है इतना ज़्यादा नहीं पता, और वो व्यक्ति जो है वो हमारे से खुंदक सी खा जाता है। वो सोचता है यार इसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। दोस्तों एक कारण है उसका कि हम सभी जो है ना अटेंशन चाहते हैं। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं ना तो हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है मुझे ढंग से मेरी बात सुने और उसके बाद अपनी रिएक्शन दे। हमारी बात कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी बात ख़त्म नहीं होती और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को पहले काट देता है। कई बार तो उसमें यह भी हो जाता है कि सामने वाले को उस विषय पर हमसे ज़्यादा जानकारी होती है, और ऐसे कई बार ये भी होता है कि वो व्यक्ति हम ही होते हैं, हमें ही उस विषय पर कई बार ज़्यादा जानकारी होती है। पर दोस्तों ये जो लोग होते हैं ना ये पसंद नहीं करते कि हमारी बात को कोई काट दे। मैंने अपनी लाइफ में कई जगह पे ऐसा अनुभव किया, मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं, दोस्ती भी ऐसी कई लोगों से ख़राब हो गई। मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैं कहा यार मेरा इतना, मैं अपनी तरफ से अपने आप को कोई गलत तो कहता नहीं, हर बंदा सोचता है कि यार मेरा नेचर अच्छा है, मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ। फिर यार ये व्यक्ति मेरे से क्यों कट गया यार, मेरे से ये नाराज़ क्यों रहता है। उस पर मैंने जब खूब सारा रिसर्च किया, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी और कुछ एक्सपर्ट्स को सुना, तो उन्होंने मेरे को मुझे बड़े हैरानी हुई बात को जानकर। और एग्जैक्टली लाइफ में यही हुआ था कि मेरे अंदर दोस्तों एक आदत थी, मैं अपनी खुद आज आपको शेयर करता हूँ। मैं जैसे मान लो मैं इन विषयों को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, भूखा था मैं ज्ञान का। मैं कोई भी चीज़ होती थी मैं एक साइकोलॉजी के तौर पर उसको पढ़ता था, अभी इसका कारण क्या है। एक व्यक्ति मान लो, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि सुसाइड क्यों करता है, तो मैं सुसाइड के बारे में, उस व्यक्ति की मानसिकता के बारे में मैंने पूरा उसको पढ़ा कि भाई एक व्यक्ति सुसाइड किन कारणों से करता है, क्या चीज़ उसको मजबूर कर देती है कि वो व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में भी फील करी कि मैंने देखा यार ये दोस्त मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में यार मेरे को इग्नोर मार रहा है, रीज़न क्या है। तो मैंने उसको रिसर्च किया, मैंने क्या पाया कि यार मेरे को किसी विषय पर जानकारी होती थी तो मैं जो है उस बात पर उनको टोक देता था, तो उनको ये लगता था कि यार ये तो ज़्यादा ही मतलब ज्ञान देने लग जाता है। तो ये रीज़न होता है। कई बार दोस्तों सामने वाला नहीं समझता कि आपके पास उससे ज़्यादा नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर, और वो आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे जिनकी आप कभी बात नहीं काटोगे। आपको पता है ना, मैंने उसके बाद ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। मैं जब मेरा कोई दोस्त कोई विषय पर बोल रहा होता था मैं सुनता रहता था, मैं कहा चल यार ले ले इसको, जो बोल रहा है लपेटे जा, तो अंदर से सुनता रहता था, मैं सुन रहा है भाई, ठीक है भाई बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, तो उसको यार तारीफ़ कर दो, वाह जी वाह क्या बात है, आपने तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया आपको नॉलेज है। तो वो व्यक्ति एकदम झाड़ पे चढ़ जाता है और वो इतना खुश हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है यार ये मेरा दोस्त है। और चाहे आप कितने भी अंदर से उसका काट लो समझ गए ना, तो वो व्यक्ति जो है आपको उस आपकी नज़र में वो ऐसा ही बना रहेगा, आपको अच्छा ही समझेगा और आपको अपना शुभचिंतक मानना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये दुनिया ऐसी हो चुकी है, हम लोग जो हैं सच्चाई के कितने भी हम पुतले बन जाएं, सामने वाला हमारी भावनाओं की कदर नहीं करेगा। वो अपनी इच्छा, अपने मन और अपनी ईगो के वशीभूत है, उसका कसूर नहीं है। हर इंसान का एक नेचर है, वो ये चाहता है कि सामने वाला मेरे को सुने, मुझे अटेंशन दे, मेरी तारीफ़ करे और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको अच्छा लगे। अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यार, हो सकता है पता नहीं क्या मुझे कोई क्या कमेंट करेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। जिसको सच में बात समझ आ जाएगी वो अपने आप को उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसको पता चलेगा यार इस बात से मुझे फ़ायदा हुआ। किसी को बुरा लग सकता है, वो कहेगा यार मैं तो इससे भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा अक्ल है मुझे। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मैं तो एक कहते हैं ना, बस एक गंगा बहरी है, जिसने नहाना हुआ नहा लेगा, हाथ धोना हुआ धो लेगा, तो वो हिसाब है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ के अंदर जो है, अपने समाज के अंदर जो है शांत बने रहना है, सामने वाले को अच्छे से सुनना है, वो क्या बोल रहा है उसको सुनते रहो, उसकी बात को ना काटो, जो बोल रहा है उसको एक, चाहे आपको लग रहा है कि वो गलत भी बोल रहा है, उसकी झूठी तारीफ ही कर दो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और दोस्तों इस छोटी छोटी चीज़ों के कारण जो है कॉन्टेक्स्ट ख़राब हो जाते हैं और इंसान को आगे जाके बड़ी तकलीफ़ आ जाती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं बड़ी सारी अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं जल्दी।